नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि रोहित शर्मा की कप्तानी में, जी हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने T20 रैंकिंग में नंबर वन स्थान हासिल किया है। जी हाँ, वर्तमान में भारत T20 रैंकिंग में नंबर वन के पायदान पर खड़ा है। यानी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि T20 में भारत ने नंबर वन की रैंकिंग हासिल कर ली है। और कप्तानी यहां पर कर रहे थे कौन? आपके हिटमैन रोहित शर्मा। तो चलिए कि कौन सी सीरीज थी, जानते हम यहां पर, और साथ ही साथ जानेंगे कि वैश्विक स्तर पर यहां पर कौन सी संस्था क्रिकेट को रेगुलेट करती है, साथ ही साथ भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है, और पूरी जानकारी हम यहां पर समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम यहां पर कि भारत ने दोस्तों यहां पर 20 फरवरी 2022 को, जी हाँ, 20 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज को, किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज को T20 में 3-0 से मात दी है। कितने से? 3-0 से मात दी है। और T20 ICC रैंकिंग में, जी हाँ, ICC की T20 रैंकिंग में नंबर वन स्थान किया है। कौन सा? नंबर वन स्थान प्राप्त किया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है उसमें दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह कितने सालों के बाद संभव हो चुका है? तो 6 सालों के बाद, जब टीम इंडिया ने दोस्तों पहला स्थान हासिल किया था। और ये बात है दोस्तों 2016 की, आखिरी बार 2016 में भारत ने T20 रैंकिंग में नंबर वन का स्थान प्राप्त किया था, जब यहां पर कप्तानी कर रहे थे आपके चहेते कौन? महेंद्र सिंह धोनी। कौन कप्तानी कर रहे थे दोस्तों? तब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने साल 2016 में ये वाला मुकाम हासिल किया था। और दोस्तों साथ ही साथ अगर बात करें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोस्तों 72 मैचों में से 41 मैच जीते और 28 हारे, और विराट कोहली की कप्तानी में दोस्तों 50 मैच में से 30 जीते और 16 हारे, और वर्तमान में जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, इनकी अगुवाई में 25 मैचों में से भारत ने 21 जीते हैं और 4 हारे हैं। तो दोस्तों यहां पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यहां पर T20 रैंकिंग में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि हम यहां पर बात करेंगे ICC की, तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जी हाँ, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर भारत के लिए या अन्य देशों के लिए क्रिकेट को रेगुलेट करती है, या वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? ICC। यह विश्व में क्रिकेट मैचों को क्या करती है? रेगुलेट करती है, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में यहां पर जानेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। पूछे आपसे कि ICC की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1909 को यहां पर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में। कहां पर है? दुबई में। स्थापना हमको याद रखना है 15 जून 1909। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहां के हैं? तो ये ग्रेग बर्कले दोस्तों आपको मिलेंगे न्यूजीलैंड के। कहां के? न्यूजीलैंड के। ये मैंने आप लोगों को ICC के बारे में बताया है। अब आपको यहां से कुछ प्रश्न याद रखना है कि स्थापना कब हुई, 15 जून 1909, मुख्यालय कहां है? दुबई में, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और वर्तमान में ICC के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। और ये किस देश के हैं, तो पूछे आपसे तो बता देना कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। और ये वैश्विक स्तर पर किसका आयोजन करती है? क्रिकेट का आयोजन करती है। साथ ही साथ भारत में कौन सी संस्था है जिसका नाम है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अब आपसे पूछे, यह भारत में क्रिकेट मैचों को क्या करती है? रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना होती है 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम। स्थापना कब होती है? 1928। मुख्यालय कहां? मुंबई। और पूछे आपसे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और सचिव का नाम जय शाह। आपको यहां पर ये चीजें याद रखना है BCCI के संबंध में। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, जिसका नाम है, जो प्रश्न ये है कि वर्तमान में भारतीय टीम के कोच का नाम क्या है? जी हां, वर्तमान में भारतीय टीम के कोच का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।